सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की वॉल्यूम थोड़ी सी स्लो है, यानी कि आपके पास ओल्ड फ़ोन है या कि पुराना फ़ोन है और उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, यानी कि इतनी ज़्यादा आवाज़ तेज़ नहीं है जो कि आपके फ़िल्म देखने के लिए, नात सुनने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए, कोई भी म्यूज़िक सुनने के लिए आपको कंप्लीट वर्क नहीं करके देता है, तो मैं आपको बता दूँ एक तरीका, जिस तरीके को अगर आप अप्लाई करें तो आप उससे सॉन्ग्स या फिर अपनी जो भी वीडियो ऑडियोज़ हैं उनको आप काफ़ी हाई लेवल के वॉल्यूम में आप सुन सकते हैं। वो किस तरह से, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सिंपली आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का, उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको छोड़ वैसे के वैसे ही। उसके बाद आपको जो है, जो भी आपको म्यूज़िक आपको प्ले करना है, म्यूज़िक जो भी आप प्ले करना चाहते हैं, जैसे अब आपके पास वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई, अब आप एक म्यूज़िक को प्ले कर लेते हैं। जैसे मैंने एक म्यूज़िक को प्ले कर लिया है, यहाँ पे ये जो म्यूज़िक है, इस म्यूज़िक को आप प्ले करने के बाद जब बैक करते हैं, बैकग्राउंड में ये म्यूज़िक रन कर रहा है। अब आप उस एप्लीकेशन को ओपन करने जाते हैं, एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो याद रहे, पहले आपको म्यूज़िक को प्ले करना है, उसके बाद इस एप्लीकेशन में जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60%, 100%, 160% और मैक्स। तो यहाँ पर आप मैक्स कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में साउंड सुनने को मिलेगा। तो और 60 कर लेंगे तो वो जो नॉर्मल आपके फ़ोन का है आपको वही वॉल्यूम सुनने में मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और 100% वर्किंग ट्रिक है ये जो मैंने आपको बताया। ये एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप जो है वॉल्यूम को तेज़ करके सुन सकते हैं। बहुत ही आसान सी वीडियो थी, बहुत ही आसान सी ट्रिक थी। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब के साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए।